हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जिसका नाम है मोहिनीज लाइफस्टाइल। और आज मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही इजी वेस्टर्न लुक। और ये मैं लगा रही हूँ मॉइस्चराइजर अपने फेस पर, जो कि न्यूट्रीजिना का है, और मैं यही मॉइस्चराइजर ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। तो इसको मैं काफ़ी अच्छे से पूरे फेस पर लगा लूँगी। मॉइस्चराइजर मतलब आपको कोई भी मेकअप करने से पहले अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। और स्किन को ही नहीं, आपको अपने लिप्स भी मॉइस्चराइज करने बहुत ज़रूरी हैं, ताकि लिपस्टिक जो है बहुत ही स्मूथ लगे। और मैंने लिप्स मॉइस्चराइज कर ली हैं, और अब मैं ये लगा रही हूँ जैकलिन का प्राइमर। और प्राइमर लगाना फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके फेस पे ओपन पोर्स हैं या अनइवन है स्किन, तो इससे आपका मेकअप भी लॉन्ग लास्टिंग होता है, और साथ ही साथ आपका मेकअप जो है वो बहुत इवन लगता है। तो ये मैंने अच्छे से प्राइमर को लगा लिया अपने फेस पे, और अब मैं लगाने जा रही हूँ फाउंडेशन। फाउंडेशन नहीं, ये सीसी क्रीम है, और ये स्विस ब्यूटी की सीसी क्रीम है। काफ़ी अच्छी क्रीम है, अगर आप लोग इसको बाय करना चाहते हैं तो ज़रूर करिए, एक बार ट्राई करिए इसको, ये काफ़ी अच्छी क्रीम है। तो आपके डेली यूज़ के लिए भी ये काफ़ी अच्छी है। तो ये मैंने सारे डॉट डॉट बना लिए हैं अपने नेक पे और फेस पे, और मैं हाथ से ही इसको ब्लेंड कर रही हूँ। मैं कोई मेकअप ब्रश और स्पॉन्ज का मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं अच्छे से ही इसको ब्लेंड कर लूँगी। और ये देख रहे हैं आप, मैं थोड़ा सा वाइब्रेट करके थपथपाते हुए इसको ब्लेंड कर रही हूँ। और अभी आपको मेरा फेस एकदम भूत जैसे वाइट लग रहा होगा, बट ये ऐसा नहीं है। ये थोड़ी देर बाद जो ये क्रीम है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, और आपके स्किन के अकॉर्डिंग एकदम हो जाती है। तो अभी मेरा फेस जो है भूत जैसा वाइट लगने लगा था, तो मैं अंडर आई एरिया अच्छे से कवर कर रही हूँ। और मैं कंसीलर यहाँ पे यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपको इजी मेकअप बता रही हूँ, तो इसमें मैंने कंसीलर यूज़ नहीं किया है। और मैं कंसीलर ज़्यादातर यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर आपको लगता है तो आप फाउंडेशन की ही एक और एक लेयर आपके आईज़ के आसपास लगा लें। और अब हम इसको सेट करेंगे कॉम्पैक्ट पाउडर से। और सर्दियों में अगर आप ये मेकअप कर रहे हैं तो इतना ज़रूरत नहीं पड़ती है कॉम्पैक्ट की, आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं, बट गर्मियों में आपको ज़रूरत पड़ती है कॉम्पैक्ट की, क्योंकि जो मेकअप है वो मेल्ट होने का डर रहता है, और गर्मी पसीने की वजह से ज़्यादा देर तक मेकअप रहे, इसलिए आपको कॉम्पैक्ट से सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छे से कान में भी लगा लेंगे, नहीं तो कान अलग से दिखेंगे और फेस अच्छा सा मेकअप वाला दिखेगा, और कान अलग से चिपकाए हुए लगेंगे, तो कान में ज़रूर लगाएं। तो अब मैं अपनी आईब्रो फिल कर रही हूँ, मैं ये पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई डार्क आई शेडो ले सकते हैं, उससे फिल कर सकते हैं, पर मैं पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। और आपको जैसे कि मैंने बताया है और भी अपनी वीडियोस में, कि आप हमेशा आईब्रो जो है वो पीछे की साइड डार्क दोनों कानों में करें, और आगे बहुत ही लाइट रखें, क्योंकि उससे नेचुरल लुक आता है, नहीं तो आपकी आईब्रो फेक लगेंगी अगर आप आगे से भी डार्क करेंगे। और इसी के पीछे ये ब्रश दिया गया है, कोम है एक, उससे मैं इसको अच्छे से स्ट्रोक मार के ऊपर की साइड को, तो इसको नेचुरल लुक दे रही हूँ। तो ये हो गया है मेरी आईब्रो सेट अच्छे से। और फ्रेंड्स, एक क्लिप मुझसे छूट गई है, तो उसके लिए प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने ब्लश लगाया था, वो क्लिप पता नहीं कैसे मुझसे शूट नहीं हुई, या मैंने कैमरा ऑन नहीं किया, क्या हो गया, बट वो शूट नहीं हुई है। तो बस मैंने इसमें ब्लश लगाया था, तो वही ब्लश मैंने थोड़ा सा अपने आईज़ के ऊपर लगा लिया था। और अब मैं ये विंक लाइनर जो है क्रिएट कर रही हूँ, और ये बहुत ही सुंदर लगता है, थोड़ा डिफरेंट है। आप इसको आधी आईज़ पे ही अपने ड्रॉ करें, और ध्यान रखिएगा कि लाइन जो है वो आपकी आगे को स्मूथ होनी चाहिए, वो लाइन से जो आपकी नेचुरल लाइन है उससे मैच होनी चाहिए। और आधी ही मैं इसको लगा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट लुक देता है, और वो आपको आगे जब आप फुल मेकअप मेरा देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो किस तरह से डिफरेंट लुक दे रहा है। तो ये मैंने पूरी आईज़ में नहीं लगाया है। और ये देखिए, मेरे पास मिरर नहीं था, मैं कैमरे में देख के ही अपना मेकअप कर रही थी, तो मैंने दूसरा वाला मिरर में देख के कर दिया। और अब मैं लगाऊंगी मस्कारा। तो इजी मेकअप लुक है, तो मैं लैशेस नहीं लगा रही हूँ, मैं मस्कारा ही लगा रही हूँ। तो मैंने अच्छे से मस्कारा ये लगा लिया अपने लोअर लैश लाइन पे भी अच्छे से लगा लेंगे। और सॉरी गाइस, ब्लश वाला जो वीडियो है वो क्लिप पता नहीं कैसे मुझसे डिलीट हो गई है, या क्या वो मैं शूट ही नहीं किया है, पता नहीं क्या हो गया, बट इसके लिए माफ़ कर दीजिए, नेक्स्ट में मैं ध्यान रखूँगी और स्पेशली आपको ब्लश लगाना बता दूँगी। और ब्लश नॉर्मली है, मैंने अच्छे से थोड़ा ब्लश गाल पे अपने लगा लिया था पीच कलर का, और वही ब्लश मैंने आईज़ पे भी अपने लगा लिया था। तो बहुत सिंपल है, हो जाती है कभी कभी ऐसी गलतियाँ, तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा इसके लिए। तो अच्छे से मैंने मस्कारे के जो दो तीन कोड हैं वो अपनी आँखों में लगा लिए हैं, क्योंकि हम लैश नहीं यूज़ कर रहे हैं।
और ये हाइलाइटर है फ्रेंड, मैं क्रीम हाइलाइटर अब यूज़ नहीं कर रही हूँ, जैसे कि आपने मेरी सारी वीडियो पे देखा होगा मैं क्रीम हाइलाइटर यूज़ करती थी, बट अब सर्दियाँ चली गई हैं, गर्मियाँ आ गई हैं, तो मैं पाउडर हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ और अच्छे से मैं ये हाइलाइटर ऊपर जो भी हाइस्ट पॉइंट हमारे फेस के हैं वहाँ पर लगा लूँगी, और नोज़ पर मैंने अपनी फिंगर से ही लगा लिया है, और अपने लिप के ऊपर भी मैं लगा लूँगी थोड़ा अच्छे से, वो काफ़ी अच्छी सी शाइन आती है, तो अच्छे से मैंने ये हाइलाइटर अपने फेस पे लगा लिया है। और अब मैं थोड़ा सा ब्रश लेके अपने आईज़ के इनर कॉर्नर में हाइलाइटर लगाऊंगी, तो इसका ये फ़ायदा होता है कि इनर कॉर्नर में आप लगाते हो तो आपकी आईज़ थोड़ा सा बिग लगती है, फ्रेश लगती हैं, तो आप एक बार ये ज़रूर ट्रिक करिएगा कि आप इनर कॉर्नर पे हाइलाइटर लगाइए, तो थोड़ा सा आंखें फ्रेश और बड़ी दिखती हैं। और मैं ये लिपस्टिक लगा रही हूँ, स्विस ब्यूटी की है और ये डबल साइडेड लिपस्टिक है, इसमें दो शेड आते हैं और आगे पीछे दोनों, एक ये नॉर्मल बुलेट वाली लिपस्टिक होती है और एक लिक्विड लिपस्टिक होती है, तो ये लिपस्टिक भी काफ़ी अच्छी है, आप चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं। तो ये मैं देखे कैसे मिक्स कर रही हूँ, ये मेरा तरीका मिक्स करने का, तो ये मैं अच्छे से इसको लगा के मिक्स कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैंने डार्क जिसके नहीं लिपस्टिक लगाई है, थोड़ा सा लाइट ही रखी है क्योंकि वेस्टर्न लुक है, तो मैं थोड़ा सा लाइट ही रखा है मैंने इसको। तो अब मैं ये जो हेयर स्टाइल बना रही हूँ फ्रेंड्स, तो ये हेयर स्टाइल भी वेस्टर्न लुक के लिए एकदम बेस्ट जाती है, तो आप इसको देख लें एक बार अच्छे से। मैं अपने जो बाल हैं वो हाथ से ही मैंने कॉम्ब नहीं किए हैं, हाथ से ही मैं इसको करके और हाफ पे मैं रबर बैंड रोक लूँगी, और जैसे कि आपको दिख रहा है इसको मैं आगे को झुका के बॉबी पिन से सेट कर लूँगी। बहुत ही इजी हेयर स्टाइल है, आप एक बार ध्यान से देखें तो आपको तुरंत आ जाएगी, बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छी लगती है, और आप चाहें तो ये पूरे बालों के साथ भी कर सकते हैं, बट मैंने हाफ में ही किया है और ये मैंने लगा लिया है। और थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि आपका बन जो है वो पीछे की तरफ झुक रहा है, तो आप पीछे से एक क्लेचर का सपोर्ट दे सकते हैं, छोटे क्लेचर का सपोर्ट दे सकते हैं, या जैसे कि मैंने दे दिया था इसमें। तो ये मेरा मेकअप लुक हो गया है कंप्लीट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ा सा भी मेरा मेकअप पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, बिना सपोर्ट के मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, और एक एक सब्सक्राइबर मुझे मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स, अपने और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, और मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आप अपना बहुत 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 सारा ध्यान रखिएगा, मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।